मैं सब पाकिस्तानियों आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आइए, पाकिस्तान का 75वां योम आज़ादी है, हम सब ने मिल के पाकिस्तान के परचम लहराने हैं और पाकिस्तान का तराना पढ़ना है, और हमने ये दिखाना है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लैग वेविंग और तराना पढ़ने का प्रोग्राम मिल्टन के अंदर इस दफ़ा 14 अगस्त को मिल्टन स्पोर्ट्स सेंटर में हुआ। चौधरी साहब, क्या आपने इसके बारे में कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हम सबसे ज़्यादा फ्लैग को रेज करेंगे पाकिस्तानी को, इतने लोग होंगे भी 1000-2000 लोग आके सबके हाथ में फ्लैग पाकिस्तानी होगा और हम पाकिस्तान का फ्लैग बुलंद करेंगे दुनिया में लहराएंगे और तराना पड़ेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच टैग टीवी। जनाब आज ओवरसीज पाकिस्तानीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका के जो करता धरता हजरात हैं उनके साथ एक मीटिंग थी, एक वर्कर्स की मीटिंग थी, एक प्रेप प्रोग्राम 14 अगस्त का बनाया गया मिल्टन में, मिल्टन स्पोर्ट्स स्टैंड सेंटर में। हम 14 अगस्त को 1 बजे से 4 बजे तक बच्चों को कैंडीज भी देंगे, फ्लैग सेरेमनी भी होगी, केक भी कटिंग होगी, कौमी तराना भी पढ़ा जाएगा। तो आप ज़रूर तशरीफ लाइएगा कौमी फ्लैग सेरेमनी के लिए, 1 बजे ज़रूर तशरीफ ले आइएगा। तमाम दोस्त आएँ, ओवरसीज पाकिस्तानीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका के तहत ही हम तकरीब कर रहे हैं। ये फ्री पार्किंग होगी, बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत जगह है, बड़ी स्पोर्ट्स भी होंगी, कैंडीज भी होंगी, बच्चों के लिए गेम भी होंगी, 1 बजे से लेकर 4 बजे। लास्ट ईयर हम वहाँ मौजूद थे अपाना की ज़ेरे क़यादत में, पाकिस्तान का फ्लैग जब ऊंचा किया इन्होंने मिल्टन में, माशाल्लाह देखने की बात तो ये थी कि उस वक्त कम से कम 1500 फैमिली मौजूद थी वहाँ, और मैंने पहली दफ़ा नॉर्थ अमेरिका में इतनी गैदरिंग, पाकिस्तानी गैदरिंग पहली दफ़ा मैंने देखी है दिन के टाइम, और बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। और इसमें मैं समझता हूँ कि मियां अबू बकर साहब की बहुत मेहनत थी और भाभी की, साथ इन लोगों का नेटवर्क, और माशाल्लाह इस साल फिर हम तैयार हैं कि हम पूरी, बल्कि इस दफ़ा हम अपनी बहुओं को और पोतों को साथ लेकर जाएंगे। क्यों, वहाँ ऐसा माहौल था कि आप यकीन करें कि इतना मज़ा आया कि फैमिलियाँ देख कर तबीयत खुश हो गई। मैं आज तक उस मंज़र को, मियाँ साहब मैं भूलता नहीं उस मंज़र को, क्यों कि फैमिलियों का इकट्ठे होना इस मुल्क में बहुत बड़ी बात है, और माशाल्लाह इनका नेटवर्क देख के इतनी तबीयत खुश हुई कि 1200-1500-2000 फैमिली मौजूद थी और फैमिलियों के साथ बच्चों के साथ तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज सागा ऑटो में से सागा रोड पे सब दोस्तों को दावत दी थी कि हमारा 14 अगस्त का एक प्रोग्राम है मिल्टन स्पोर्ट्स सेंटर में, 1 बजे से लेके 4 बजे तक जश्न आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में। आज ये मीटिंग का जो मेवर था वो ये था कि हम सारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हों और वॉलंटियर्स और हमारे दोस्त मिल्टन से, ब्रैम्पटन से, मिसिसागा से, स्कारबरो से सारे दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और हमने उनको ये कहा कि आप बताएं कि हम इसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो उस सिलसिले में हमने वहाँ पे 14 अगस्त को फ्री फ्लैग हैं, फ्री कैंडीज़ हैं, बच्चों के लिए वहाँ पे बहुत फ़न है, हम चाहते हैं केक सेरेमनी है वहाँ पे, हम 14 अगस्त का केक काटेंगे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम है, आप फैमिलीज़ के साथ वहाँ पे तशरीफ़ लाएं और आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, ये आने वाले इवेंट 14 अगस्त का जो मिल्टन में होने जा रहा है उसकी तैयारी के लिए ये गुर्जर साहब ने प्रेपरेशन मीटिंग रखी है। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, हर दिल की है पहचान पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम पाकिस्तान को ऐसे मनाते हैं और ऐसे मनाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तान दुनिया उफक के ऊपर कैसे जगमगा रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो लवली भाई जो हैं, ये इन्होंने इस इवेंट का जो इंतज़ाम किया है, ये वतन से मोहब्बत है, एक अकीदत है, एक उल्फत है, एक मैं कहता हूँ कि एक चाहत है, और सबसे बढ़ के हमें प्रदेश में रह के वतन की कमी महसूस नहीं होने देते जो लोग जो ऐसे इवेंट के इंतजाम का इंतजाम करते हैं। और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको खराज अकीदत पेश करता हूँ, आप इतना अच्छा जो अच्छी अच्छे काज के लिए और अपने मोहब्बत जो वतन से मोहब्बत लोग करते हैं, मोहब्बत वतन लोगों के लिए आप इतना जो एफर्ट करते हो, इतना खर्चा करते हो, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो एंट्री फ्री है, क्या बदल, नेक्स्ट लेवल यार। सो नाइस ऑफ यू गाइस, पाकिस्तान जिंदाबाद।